नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शेर समाचार और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। बात की जाए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, उस समय एक काफ़ी शर्मनाक वाक्य सामने आया था कि एक हमारे उधमपुर के फर्स्ट सिटीजन जिन्हें कहते हैं हम, डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी, जो कि नगर परिषद विभाग के चेयरमैन हैं, उनकी गाड़ी को स्पेशली उधमपुर डिग्री कॉलेज में रोका गया, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल को अंदर उनकी जो गाड़ी थी उनको अंदर जाने दिया। उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्हें गाड़ी लेकर अंदर जाने दिया, पर डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी की गाड़ी को आखिरकार क्यों नहीं जाने दिया, आज का ये सवाल है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एसएसपी उधमपुर सरगुण शुक्ला जी से बात की थी इस मामले को लेकर कि आखिरकार अभी तक इस मामले को लेकर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई भी मैसेज कोई भी बात सामने नहीं आती। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं करूँ, प्रीति खजूरिया जो कि वार्ड नंबर 1 की पार्षद हैं, उन्होंने जो एंट्री गेट्स बनाए थे, एंट्री पॉइंट्स जो बनाए थे, उस पर कालक लगा दी गई थी कुछ युवाओं द्वारा, हम बात करें किसी अवैध लोगों द्वारा, पर आखिरकार उन पर भी जो है कार्रवाई होते नहीं नज़र आ रही। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी, नगर परिषद विभाग के चेयरमैन। सर, पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू स्वप्निल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर इतना बड़ा दिन था और आप फर्स्ट सिटीजन हैं, एक तो आप नगर परिषद विभाग के चेयरमैन भी हैं और आपकी गाड़ी को, स्पेशली आपकी गाड़ी को रोका गया, क्या मानते हैं इस चीज़ पर? देखिए, उस दिन 15 अगस्त को जो मैं पहले भी आपको बाइक दी थी, तो 15 अगस्त को जब मैं वहां पहुंचा गेट के ऊपर, काले गेट के ऊपर, जब अंदर जाने लगे तो मेरे साथ सुभाष जी और अपने अनिल अरोड़ा जी थे, तो इन्होंने बोला भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो, जो वहां पर पीआर शर्मा साहब थे कोई एक एएसआई साहब, तो उनको बोला, कहते नहीं जी मुझे तो हुक्म है, मेरे को ऑर्डर है कि जो है अंदर कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने बोला भाई अगर हमारे पास तो प्राइवेट गाड़ी है, गवर्नमेंट की कोई गाड़ी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, तो हम तो अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। कहते नहीं जी इसको आप जाके उधर पुलिस लाइन में लगा दो, तो वहाँ से आओ किसी को भेज दो। ये बात किसने की थी आपको? ये एएसआई साहब ने। ठीक है, तो मैंने जब कहा भाई मैं खुद चला रहा हूँ तो गाड़ी तो मैं ही लगाऊंगा जाकर, और कौन चलाएगा मेरी गाड़ी को, तो कहता नहीं जी गाड़ी तो नहीं अंदर जाएगी, हमें ऊपर से ऑर्डर है। मैं ठीक है, तो मेरे आगे मैं बताया आपको, हमारे आगे पूरन जी थे, पीछे बलवान जी थे, उनके पास क्या ड्राइवर थे, वो वहाँ पर गाड़ी उनकी लगाने चले गए, वो उतर के चले गए। और अंदर जाकर जो अरेंजमेंट जो था, जो सबसे पहले, जो मैं उधमपुर का फर्स्ट सिटीज़न हूँ, जो प्रेसिडेंट होता है, मेरी कुर्सी जो है, जो सबसे जो फ्रंट रो थी, उसे सबसे पहले स्टार्ट में लगा दी गई थी। मतलब कुर्सी जो है, बाकी जो वीआईपी जो सेंटर में बैठे हुए हैं, मेरी कुर्सी स्टार्ट में जो सोफ़ा था, सबसे पहला कोना जो था उस सोफे का, मेरी वहाँ पर थी। मेरे आगे कौन कौन लोग थे मुझे कोई पता नहीं है, ये डीसी साहब कहाँ बैठे हैं, एसएसपी कहाँ बैठी है, बाकी लालचंद जी कहाँ बैठे हैं, मैंने इनकी शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि मेरी कुर्सी एक तरफ थी, जबकि मेरी कुर्सी भी इनके साथ में होनी चाहिए थी। हमारे कौंसलर के लिए कोई वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं था, कोई वहाँ पर इन्होंने वो नहीं लगा रखा था उनके लिए सेपरेट के, यहाँ पर कौंसलर बैठेंगे। तो ये पिछली दफ़ा भी 15 अगस्त को इसी तरीके का वाकया हुआ था। देखिए ना, अगर मैं 2005 की बात करूँ, थे उनका एक, जब भी कोई डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम था या कहीं अन्य जो प्रशासनिक कार्यक्रम होते थे, वहाँ पर सबसे पहले काउंसलर्स को बुलाया जाता था। पर इस बार की अगर मैं बात करूँ तो खासकर नगर परिषद विभाग के जितने भी काउंसलर्स हैं, चाहे आप हैं प्रधान, क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है, क्यों आपके लिए बात जो है सामने नहीं की जाती? ये जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती है ना, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये हावी हो जाती है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम हावी हों, और ये है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि असेंबली में जब इनकी खिंचाई होती है तो वहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखते हैं, तब वहाँ पर वो उसको ध्यान करते हैं। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ ए मस्ट, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सोचते हैं ये छोटे मोटे नीचे के हैं, इनको क्या पूछना है, तो इसलिए ये हमें इग्नोर करते हैं। आपको रोका गया, उसके बाद कोई एसएसपी से कोई बात की गई? जैसे ही हम बाहर निकले तो इतनी देर में हमने वहाँ पर जो है वो जो पीआर शर्मा जी थे उनको पूछना चाहा, वो वहाँ से गायब हो गए। इतनी देर में इनका काफिला आ रहा था बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एट होम रखी हुई थी इन्होंने रिवायत में, तो उधर से एसएसपी मैडम उतरी, डीआईजी साहब उतरे, तो क्या बात है क्या हुआ जब बताया उनको, तो मैंने खुद सुना तो मैडम ने बोला कि ये मेरा ऑर्डर था। और जबकि मेरे अंदर जाने के बाद, जैसे ही मैं लाइब्रेरी के पास पहुंचा था, हमारे पीछे एक होंडा सिटी ब्राउन कलर की
मैरून कलर की, उसमें डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उसको अंदर जाने दिया। क्या उनका नंबर जो था गाड़ी का नंबर, क्या वो प्राइवेट गवर्नमेंट था? प्राइवेट गाड़ी की, प्राइवेट होंडा सिटी कार बोल रहा हूँ मैं आपको, वो कोई गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं थी। और चार गाड़ियाँ अंदर ऑलरेडी खड़ी थी, चार गाड़ियाँ ऑलरेडी प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी थी। इसका मतलब है ये इनकी एक जानबूझ के एक बड़ी साजिश थी, इन्होंने पूरा ये एक साजिश रची गई और जिसके तहत मेरे को रोका गया। किसकी साजिश हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक शर्मनाक है, क्योंकि आपकी ही गाड़ी को अंदर नहीं जानती, जबकि आप फर्स्ट सिटीजन हैं, प्रेसिडेंट हैं आप पूरे उधमपुर के, उसके बावजूद आप रोकोगे, क्या मानते हैं किसकी साजिश हो सकती है? मैं तो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवार मानता हूँ, लेकिन मैंने SSP मैडम के मुँह से सुना कि ये मेरा ऑर्डर था, तो उनके लिए ये भी कर सकते थे कि जो 3, 4, 5, 10 लोग हैं उनके नंबर ले लेते गाड़ियों के, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है ना, तो उसके लिए हमारी गाड़ियों का नंबर लेते हैं, ये गाड़ी वाले आएंगे इनके पास गाड़ियाँ नहीं है तो उनको अंदर ले जाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक रहा सवाल प्रीति मैडम का, उसके जब उनके साथ एपिसोड हुआ, मैं एक्चुअली जम्मू में था, वहाँ आके जब मुझे बताया गया तो मैंने पूरा जो है एक ज़बरदस्त लेटर जो है वो मैडम को लिखा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट हुआ है उनको पकड़ा जाए। तो मैडम ने, मैंने कर दिया, 4 दिन हमने वेट किया, नेचुरली कुछ वेट करना पड़ता है जब कार्रवाई होती है, लेकिन 4 दिन के बाद मैंने फिर फ़ोन किया मैडम को, मैडम मैडम इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, आगे कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए जो है आप जो है जो क्या कार्रवाई की गई है, तो मैडम ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब ये जो है ये कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस नहीं बनता है, कि इस किस्म के एपिसोड पूरे इंडिया में कहीं भी होर्डिंग लगी होती हैं, कोई फाड़ रहा है, कोई नीचे गिरा रहा है, कोई कालक पोत रहा है, ये ऑफेंस नहीं बनता है। आप मैडम को बोलिए मेरे पास भेजिए, अगर उनके पास ये है, अगर कोई एविडेंस है, उनके पास कोई प्रूफ है, तो हम उसके ऊपर केस दर्ज करेंगे। उनको बोलिए कभी मेरे पास आ जाए, इवन मेरे घर में आ सकती हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये कि प्रीति खजूरिया जी जो एक आरोपी है वो खुद ढूंढेंगी, प्रीति खजूरिया ढूंढेंगी? नहीं, मतलब उनका था कि अगर वो, इसलिए कि वो ऑफेंस नहीं बनता है, अगर वो कहते हैं डायरेक्ट किसी उनके ऊपर स्काई फेंक के कोई डायरेक्ट एक्शन करे वो तो ऑफेंस बनता है, लेकिन अगर उनके पास फिर भी कोई अगर एविडेंस है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा, पार्षद आपके अंडर हैं, आप एक आप समझ लीजिए जो आप कहेंगे वो मानेंगे, तो आप नहीं मानते कि अगर आज जो है प्रीति खजूरिया जी के पोस्टर पर काली स्याही फेंकी गई है, तो क्या वो वेट कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की मुंह पर स्याही फेंकी जाए? मैं बताया ना, उसके बाद जो है मैंने प्रीति मैडम जी को बोला, ये भी मैडम वहाँ पर गई, इन्होंने भी अपनी तरफ से एक लेटर दिया, इन्होंने सारा उसमें लिखा है, और ये अभी इन्होंने 28 तारीख को लेटर दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सवाल ये है कि प्रीति खजूरिया जी की पोस्टर पर जब स्याही फेंकी गई है, तो क्या मानते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ वेट कर रहे हैं कि प्रीति खजूरिया जी की फेस पर जो है सही खोद जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमने तो अपनी तरफ से लेटर लिखना, आज तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज सभी काउंसलर एक आवाज में कह रहे हैं और सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों इंसिडेंट्स हुए हैं, इसके ऊपर जो जिम्मेवार हैं, अगर उनके कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे भी जो है प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे, और आज जो है, और आज कल से शुरू कर देंगे, और आज जो है हमारी एक कल ACR साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि कोई एक हम आपसे मीटिंग चाहते हैं, बहुत जल्दी याद आया उनको 20 दिन के बाद, चलो देर आया दुरुस्त आया, याद तो आया हमारी, तो आज उनको याद आई है, तो हम सभी काउंसलर फैसला कर रहे थे कि क्या किया जाए, लेकिन अभी यही फैसला किया कि अल्टीमेटली कोई बात भी जो है वो डायलाग से ही दूर होती है, आज हम डायलाग पर बैठेंगे, अपने सारे मुद्दे रखेंगे, सभी जितने इशू हमारे होंगे उसमें अगर सेटिस्फाई होंगे सारे काउंसलर, तो हम आगे जो है इसको ब्रेक करेंगे, नहीं तो हमारी जो है जो इनकी जो बाइकॉट जो है वो हमारा जारी रहेगा। एक सवाल करूँगा, आज एडवाइज़र साहब की आज यहाँ पर दौरा था उधमपुर में, फारूक साहब का, तो क्या आपको वहाँ पर आमंत्रित किया गया था? क्योंकि काउंसलर्स की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट सिटीजन आप हैं, आपका उनका कर्तव्य बनता है कि आपको बुलाना, क्या आपको बुलाया गया था? यही यहाँ से ही देखिए, आप आज जो है एडवाइज़र साहब यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पास, मेरे पास या मेरी म्यूनसिपैलिटी किसी को नहीं बुलाया गया है, कोई लेटर नहीं है, जब भी कोई प्रोग्राम सिटी के अंदर होगा सबसे पहला हमारा नंबर आता है, सबसे पहला नंबर काउंसिल का आएगा, पहले काउंसिलर को बुलाया जाएगा जो है हमारे को, लेकिन आज वो आ रहे हैं, ये बुला रहे हैं BDC DDC और PRIs को, जबकि पहला नंबर हमारा होना चाहिए, कहते हैं अगर आपका कोई डेपुटेशन है वो लाओ, हम डेपुटेशन लेके जाएंगे, हमारे सिटी के अंदर आ रहे हैं और वो उनके साथ मीटिंग करेंगे।
तो आप यहाँ से ही रवैया देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया है, क्यों मतलब क्यों इस तरह का रवैया जो है सामने ला रहा है प्रशासन हर बार। आपको जो है एक पार्षदों की बात करूँ या आपकी बात करूँ, हमेशा एक इनका ऐसी तरह का रुतबा है, चाहे मैं 15 अगस्त की बात करूँ, फिर मैं दूसरी बात करूँगा प्रीति खजूरिया जी की, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या मानते हैं कि क्या सब चल रहा है? नहीं, आज शाम को पता चल जाएगा आपको, आज जब हमारी 6 बजे मीटिंग होगी वहाँ पर हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अब ये बताएंगे कि जब सिटी के अंदर कोई फंक्शन होगा, अगर म्यूनसिपैलिटी को सबसे पहले इनवाइट नहीं किया गया, हम यहाँ फंक्शन नहीं होने देंगे। अभी तक 15 अगस्त से लेकर अभी तक जितने भी कार्यक्रम जो है प्रशासनिक कार्यक्रम हुए हैं, क्या आपने बाइकआउट रखा? हमने बाइकआउट रखा, हम कहीं नहीं गए, कोई प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं गए। इसलिए इनको याद आई हमारी, क्योंकि आज गवर्नर एडवाइज़र साहब आ रहे हैं और 2 दिन के बाद जो है सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि वहाँ पर अगर प्रोटेस्ट होगा या वहाँ पर उनको पता चलेगा कि म्यूनसिपैलिटी नहीं आई है तो हमारी क्या हालत होगी, तभी इनको याद आया। आएंगे तो क्या हर काउंसलर आप भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, अभी आज फैसला होगा, आज या शाम को मीटिंग होगी, उस पर जो है फैसला लेंगे आगे क्या करना है। तो आज की मीटिंग है किसके साथ रखी गई है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी, नगर परिषद विभाग के प्रधान हैं। बताता चलूँ, जिस तरह से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जब ये कार्यक्रम में जा रहे थे डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी को जो है एक ASI द्वारा रोक दिया गया, जबकि वहाँ पर जो कॉलेज प्रिंसिपल थी उन्हें वहाँ पर अनुमति दे देगी गाड़ी लेकर कि आप अंदर जा सकते हैं। आखिरकार जो फर्स्ट सिटीजन जो है डॉक्टर साहब हैं, इनकी गाड़ी वहाँ पर क्यों रोकी गई, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, क्या पुलिस प्रशासन वेट कर रहा है कि प्रीति खजूरिया जो कि वार्ड नंबर 1 की पार्षद है, जब उनकी पोस्टर्स पर स्याही जो है काली स्याही लगा दी गई, क्या वो वेट कर रही हैं कि क्या जब मुंह पर स्याही फेंकी जाएगी तब वो कोई कार्रवाई करेंगे? अब प्रशासनिक जो भी प्रशासन जिस तरह का रवैया जो है वो अपना रही है कि काउंसलर्स को जो है नीचा दिखा रहे हैं कि किसी भी कार्यक्रम में इनको इन्वाइट नहीं किया जा रहा। आज अगर फारूक साहब आए थे, उधमपुर में एडवाइज़र आए साहब आए थे, तब भी इनको इन्वाइट नहीं किया गया। आखिरकार ये किस तरह से जो है प्रशासन का रवैया चल रहा है? आज जो है शाम को 6 बजे डॉक्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि एक मीटिंग जो है रखी गई है जिला प्रशासन के साथ, उसमें किस तरह की अब बात की जाती है वो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।